यस चलिए एक और आपको अपने अगले स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है पंकज। पंकज की ऑल इंडिया 43 रैंक है और पंकज झारखंड से हैं। सबसे पहले पंकज बहुत बहुत बधाई। पंकज हमारे इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और फंक्शन पंकज ने लास्ट ईयर फाइनल ले किया था और इस साल ड्रॉप लेके अपनी पढ़ाई की और ऑल इंडिया 43 रैंक अचीव की। तो इस रैंक के लिए आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपने इस रैंक को किस तरह से अचीव किया और क्या क्या आपका पढ़ने का तरीका था। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सर बोलना चाहूंगा कि आपने जो हमें सपोर्ट दिया, गाइडेंस दिया आपकी सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर मैंने पिछले साल भी दिया था NIMCET का एग्जाम, बट मेरी वही 1200 रैंक आई थी। फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा क्योंकि मैंने उतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेरी, बट उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर ये मैं एक साल ड्रॉप लेता हूँ तो ये मैं एक साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ड्रॉप नहीं हो रहा है मेरा, एक तरह का इन्वेस्ट है। क्योंकि ये जो भी मेरी अगर अच्छी रैंक आ जाती है तो मेरा फ्यूचर है वो इसी से डिसाइड होने वाला, तो ये एक साल कोई मायने नहीं रख सकता इतने बड़े फ्यूचर के लिए। इसलिए मैंने सोचा सर ये ड्रॉप लेना सही रहेगा और मैंने सर आपको फॉलो भी किया। आपने भी हमेशा यही कहा है कि ड्रॉप अगर लेना है तो ले सकते हैं, कोई इसका ये आगे प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इसी से फ्यूचर डिसाइड होगा आपका। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसी तरह एक दीपक सिंह भी स्टूडेंट है हमारा, उस कोलकाता का स्टूडेंट था, उसने भी जैसे ड्रॉप का मन बनाया जैसे आपने बनाया। कई बच्चे ड्रॉप लेते हैं पर कई बच्चे ड्रॉप लेने से इसलिए घबराते हैं कि कहीं एक साल खराब ना हो जाए। और जब अभी आपने एक वर्ड बोला कि वो ड्रॉप इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में ये खराब वर्ड बोलना ही गलत है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए पंकज ने भी और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो अपने लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करते और कंप्रोमाइज नहीं करने की वजह से लाइफ में उन्हें आगे वो सब मिलता है जो वो चाहते हैं। तो पंकज आपने जब ड्रॉप लिया तो थोड़ा सा आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर या कोई रिलेटिव का प्रेशर था या नहीं था? सर फैमिली प्रेशर तो नहीं बोल सकते हैं, फैमिली ने पूरा सपोर्ट दिया मुझे कि नहीं आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप आगे अगर अच्छा कर सकते हैं एक साथ ड्रॉप लेके तो आप बिल्कुल करिए। फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, बट एक खुद पे थोड़ा सा प्रेशर था कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, इसलिए ये जो एक साल है मुझे बहुत अच्छे से मेहनत करना, अपना जो भी है खुद का बेस्ट देना है और बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है ताकि मैं एक अच्छे कॉलेज में जा सकूँ, ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ मैं। अच्छा, जब बच्चे नॉर्मली ड्रॉप लेते हैं तो उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कई बच्चों के कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसा कोई कभी मन में फेयर या कोई डर आया आपके? सर हाँ, कभी कभी बीच में ऐसा डर आता है। जैसे सर अभी कोरोना का टाइम आया तब मैंने सोचा कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, बट सर फिर मैं सोचता था कि नहीं जो भी अगर मैं अभी डर जाऊंगा तो ये जो एक साल मैंने ड्रॉप लिया वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं फिर वो खुद को संभालता था, नहीं मुझे पढ़ना है और जो भी है जैसे भी सिचुएशन हो मुझे पढ़ के इस ईयर एग्जाम देना है और मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ मुझे बेस्ट देना है। बिल्कुल सही बात है पंकज। और ड्रॉप वाले बच्चों के साथ कई बच्चे जो जिन्होंने ड्रॉप लिया था उनके अंदर काफी टेंशन हो गई थी उनको कि एक सर पहले तो एक ड्रॉप लिया और अब कोविड की वजह से एग्जाम डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, कब होगा कब नहीं होगा, कहीं हमारा समय इतना खराब। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी कभी आई क्या? ये सर बीच में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती थी कि मुझे ऐसा लगे हाँ जैसे कि बहुत लंबा ये हो गया कि हमारे मई में एग्जाम होने वाले थे बट इतना ही खींचता चला गया, तो कभी कभी बीच में ऐसा आते थे। बट सर मैं ये बताना चाहूंगा सर कि जैसे आपने क्लास लिया तो सर आप हर क्लास के लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट आप मोटिवेट करते थे हमें। सर मैंने आपका कोई क्लास एक बार देखा होगा बट आपका जो मोटिवेट करते थे मैं हर दिन वो देखता था, किसी भी वीडियो को मैं ले लेता था और लास्ट का स्किप करके लास्ट का 10 मिनट चला जाता था कि हाँ, और रोज में वो जरूर देखता था जिससे मैं बूस्ट हो जाता था, नहीं अब मुझे पढ़ना है। मैं कभी ऐसा फील करता था, मैं यही करता था कि कोई भी वो अगर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो लास्ट में वो 10 मिनट रहता था मैंने वो कितने बार एक ही वीडियो के वो 10 मिनट भी मैंने 3-3, 4-4 बार देखे हैं ताकि मैं खुद के अंदर एक बूस्ट हो जाता, नहीं अब मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, बस ये सिचुएशन है ये भी निकल जाएगा, आगे बस अच्छा होगा। देखो बहुत अच्छी बात बोली पंकज। कई बार क्या होता है, देखिए मोटिवेशन जैसे मैंने किया पर इंटरनल एक मोटिवेशन भी होता है जो आपने अपने अंदर डेवलप किया। कहीं पे भी आप डीमोटिवेट हुए तो आपने जैसे वीडियो देख लिया, खुद को मोटिवेट किया कि नहीं नहीं मुझे मेहनत करनी। यही मैं आप सब बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें। कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं तो बिल्कुल टीचर से बात करें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोटिवेशन। पूरे समय मोटिवेशन बनाए रखना और अपने आप को बहुत पॉजिटिव तरीके से तैयार करना। अच्छा पंकज एक बार बताओ मुझे, आप जब आप टेस्ट देते थे और कभी कभी स्कोर अच्छा नहीं आता था तो क्या थॉट्स आपके मन में आते थे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे जैसे ज्वाइन करते हैं क्लास, वो एकदम से जब उनको क्वेश्चन नहीं बनता, पेपर में स्कोर नहीं आता, तो पैनिक होने लगते हैं। मैं बोलता हूँ ये कोई एक का रिजल्ट नहीं है, कई सारे पेपर से मिलके आता है। जो आपके सीनियर हैं वो भी कई बार पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर भी करते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? सर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि कोई पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इस पेपर में मेरा जो परफॉर्मेंस आना चाहिए था वो आया नहीं, तो मैं ये सोचता था कि नहीं जो मेरा परफॉर्मेंस है वो इस पेपर पे गया हुआ है। मैं ये डिसाइड कर सकता कि नहीं मैं पूरा टॉपिक ही मुझे नहीं आता, जैसे मैं कोऑर्डिनेट का उस पेपर में मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो ये सोचा जा सकता है कि नहीं मुझे कोऑर्डिनेट आता ही नहीं है। बट नहीं, मैं ये सोचता था कि नहीं जो ये क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, अगर ये मैं क्वेश्चन के बारे में और अच्छे से लूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, तो मैं ये बना लूंगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनालिसिस आपने जैसे बताया था कि हाँ एनालिसिस करना है, वो एक एक पेपर को 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स तक मैं एनालिसिस किया। मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन को देखा, फिर एनालिसिस करते हुए सिर्फ आसपास जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए, इस टॉपिक के बारे में जाना, एक एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं सारा टॉपिक रिवाइज करता था, जिससे जो अंदर थॉट्स आते थे नेगेटिव थॉट्स वो दूर हो जाते थे। वेरी गुड बेटा, आपके घर में सभी लोग काफी खुश होंगे। अब कैसा घर में आपके एटमॉस्फेयर है? तो चलो अच्छी बात है पंकज। सर अभी तो बहुत सर अच्छा फील हो रहा है सर, ये कैसा हो गया? यस सर। तो पंकज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना कोई जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हो तो मैं चाहूंगा आप बताएं, बिल्कुल बताएं, अपने कोई एक्सपीरियंस या कोई मैसेज आपकी तरफ से आपके जूनियर्स को हो। यस सर, मैं अपने जूनियर्स को सर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि हाँ मैथ पेपर टफ हो सकता है, ईजी हो सकता है, तो आप कुछ ना करें, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा ले और क्वेश्चन वाइज हर एक सेक्शन का बना ले। जैसे वेक्टर से 2008 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, 2009 में ऐसे क्वेश्चन आए, ये पूरा बना ले, तो आपको ये खुद समझ आ जाएगा कि जिस क्वेश्चन के बारे में हम सोच रहे कि मुझे आता नहीं है, वो तो पिछले 13-14 साल से कभी आया ही नहीं है, उससे डरने की कोई बात ही नहीं है। जो हम आता है हमारे एग्जाम में वो पढ़ना है, जो आता ही नहीं है उसके बारे में टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो टेंशन लेने वाले बाकी लोग बहुत है जो कि आपसे पीछे होने वाले हैं। इसलिए आप उस और जाए जो आता है हमारे एग्जाम में, और अगर उस और फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा लास्ट में। वेरी गुड पंकज, आपने बिल्कुल वो बात बोली जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि कई बार बच्चे उस क्वेश्चन के लिए परेशान हो रहे होते हैं, उन सब पोर्शन के लिए जो कभी काम का रहता ही नहीं है, और जो आता है उसके लिए खुश नहीं होते, तो कई बार ये चीज हमारे रिजल्ट को बिगाड़ देती है। तो आप सब बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब भी पढ़ाई करें तो एग्जाम किस पैटर्न का आता है और उससे 10 से 20% अब पढ़ाई करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और इधर उधर से करते रहेंगे तो हमेशा कंफ्यूज बने रहेंगे। पंकज ने बहुत अच्छी बातें बताई, तो थैंक यू पंकज, ऑल द बेस्ट। अब आपको बहुत, आपको तिरुचि ऑब्वियसली 100% मिलेगा, तो अब तिरुचि में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है अपना, और जीवन में माँ बाप का बहुत नाम रोशन करो, यही शुभकामनाओं के साथ सेशन एंड करूंगा। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।